हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं जानता हूँ आप सभी मुझे मिस कर रहे होंगे, क्योंकि शिनचैन नोहारा काफ़ी टाइम से फ्रैंकलिन भैया के साथ नहीं था ना। लेकिन आज मैं और फ्रैंकलिन भैया कुछ कमाल का करने जा रहे हैं। इस बात पे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि दोस्तों आज मैं वर्नम पोल भैया को उल्लू बनाकर उनकी ही बॉडी पर कब्जा कर लूँगा। वैसे ये मिशन इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशन होने वाला है, इसलिए मैं अपने साथ फ्रैंकलिन भैया को लेकर आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया चुप क्यों हैं, कुछ बोलो तो। सिंचन, तुम दूसरों को बोलने का मौका दोगे तो कोई बोलेगा ना यार। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि सिंचन कह रहा है, वैसे मैं आज इसकी मदद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस तरह से इसकी मदद करूँगा, यही मुझे बताएगा। तो सुनते हैं चलो सिंचन का प्लान और देखते हैं आगे क्या करना है। तब तक आप वीडियो में बने रहो, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मैं जल्दी से प्लान बता देता हूँ। तो फ्रैंकलिन भैया, सबसे पहले आपको उस विला के पास जाना होगा और उस विला में जितने भी आपको बॉडीगार्ड्स मिलेंगे उन सबको आपको नॉकआउट करना होगा। उसके बाद यहाँ से मैं आपकी हेल्प करूँगा स्नाइपर से, और उसके बाद आपको बाकी का मिशन। हाँ, बच्चे समझ गया। चलो, आजकल के बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करते हैं यार। कोई बात नहीं है दोस्तों, चलो मैं अपना काम करता हूँ। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये सिंचन भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इतने खतरनाक काम। उस वेनम पूल को कैसे उल्लू बनाएगा और उसकी बॉडी पर कब्जा कैसे करेगा। कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। जल्द से जल्द मुझे उन सारे बॉडीगार्ड्स को नॉकआउट करना पड़ेगा। मेरे पास ये हथौड़ी है, मैं इसी से बैंड बजा दूंगा उनकी। तो चलो जल्दी से पहुँचता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्टेल। अरे बाप रे यार, साले तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक मिनट ही तो आंटी है कोई। अरे यार, पहले ही बैंड बज गई मेरी। अरे चलो छोड़ो इसको, ये तो गई। कोई बात नहीं है, चलो अब मैं थोड़ा सा स्टेल हूँ, मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड हैं मुझे उनको नॉकआउट करना होगा। दोस्तों मुझे तुम सबकी ज़रूरत है, मेरे साथ ही रहना, ठीक है। वो रहा, हाँ ठीक है, एक और दो, अभी फ़िलहाल मुझे दो दिख रहे हैं। चलो जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं, उसके बाद आराम से। अरे ठीक है, अभी जल्दी से चलता हूँ। ये रहा, अरे पापा इसके पास तो गन है, अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी बैंड बजा देगा। ठीक है, मैं आराम से चढ़ता हूँ, उसके बाद उसको मुझे जस्ट नॉकआउट करना है एक ही बार में, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना है कुछ भी। चलो ठीक है, ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको मारते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। 1 2 3 दोस्तों, अरे मिनट को मैं चीज़ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ले तेरी तो, हाँ, अरे वाह, ये ले, हाँ, और ये ले, और बेटा ये ले, और ये ले, और ये, हाँ, और हाँ ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से आगे जाता हूँ, मुझे दूसरे बॉडीगार्ड को भी नॉकआउट करना पड़ेगा। बेटा कैसी लगी है तेरी तो, ये भी गया एक में, क्या बात है, मेरा काम पूरा होगा। एक मिनट को मारता हूँ जल्दी से। बेटा कैसी लगी, चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो देखता हूँ आगे क्या पर है। मेरे हिसाब से मुझे सिंचन की मदद लेनी होगी। सिंचन मेरी बात सुनो जल्दी से, उधर तरफ चेक करो कोई बॉडीगार्ड खड़ा है क्या। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, जल्दी देखता हूँ। अरे बाप रे, उधर तो शायद कोई है। फ्रैंकलिन भैया सुनो, वहाँ पर एक वन मैन खड़ा है, वैसे उसके पास कोई वेपन नहीं है, आप आराम से उसको मार सकते हो, मैंने देख लिया उसको, जल्दी जाओ उसकी बैंड बजा दो। अरे बाप रे, आप ही मर क्यों नहीं रहा, मैं तो कह रहे थे जल्दी जाओ फ्रैंकलिन भैया मारो उसको। अरे बाप रे, गिरा तेरी, ले बेटा। अरे यार, ये मरा कैसे, नहीं इसका ही खून पड़ा है। अरे बाप रे तेरी तो, अरे यार, अरे यार क्या हो रहा है, और एक बार मारता हूँ तुम्हारी तो, जेले, और फिर से मारता हूँ, जेले, और अरे मरता कैसे नहीं है तेरी तो, मर जा रहे। अरे यार किस तरह का इंसान है ये, क्या खा के पैदा हुआ है तेरी तो, जे, अरे यार, अरे बाप रे, एक मिनट, और जेले। अरे यार ये क्या हो रहा है, सिंचन मेरी मदद करो, उस पर गोलियाँ चलाओ। अरे यार, अरे बाप रे, मरता कैसे नहीं है, क्या क्या इंसान है यार, मेरा, हाँ लगता है मर गया है। हाँ ठीक है दोस्तों, फाइनली मैं इसको मार दिया। चलो ठीक है, जल्दी से वेनम पूल को देखते हैं। अरे ठीक है, इसमें आग और लगा देता हूँ, मैं तुझे छोड़ नहीं, ये इतना टाइम में मरा था। हाँ ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो वेनम पूल है कहाँ पर, सिंचन अपने स्नाइपर से चेक करो, वेनम पूल तुम्हें दिख रहा है क्या। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो मुझे नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दिख गया वो। हाँ ठीक है, अरे पापा इसके पास तो एक इंसान और है, मुझे किसी तरह से उसको भी नॉकआउट करना होगा, तभी मैं वेनम पूल को नॉकआउट कर सकता हूँ। लेकिन मैं वेनम पूल को नॉकआउट कैसे करूँ। अरे हाँ याद आया, मेरे पास तो वो स्पेशल गन है जो सिंचन ने मुझे दी थी, उस स्पेशल गन से मैं इसको नॉकआउट कर सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये क्या कर रहा है सर, अरे पापा इसने मुझे देख लिया। काले इंसान, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है, तुझे जान से मार दूंगा मैं, चल यहाँ से भाग, ये अमीरों की जगह है, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, ले ले, अभी बताता हूं। अरे 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 नहीं, क्या कर रहा है तू, पूरा मिशन खराब कर देगा। नहीं, अगर मैं इससे यहाँ पर लड़ा तो इस वेनम पूल को पता ना चल जाए, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे अरे नहीं नहीं, अरे यार ये तो मार रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जल्दी हट यहाँ से तेरी तो, जल्दी निकलता हूँ ऊपर की तरफ से, चाहता हूँ मैं जल्दी से। तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ भागता है कलवे, रुक रहा, मजा ही आ गया ना कर तो। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अपनी पावर से एक्टिवेट कर लेता हूँ जल्दी।
जल्दी से, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो इंसानों, क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से, तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, वो दूसरा वाला इंसान तो जाना पहचाना सा लग रहा है, इससे पूरे एक मिनट, ये तो फ्रैंकलिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा मैं। ओह वेनम फूल, कैसे हो यार? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर बस किसी बिजनेस डील की वजह से मिलने आया था, लेकिन पता नहीं ये इंसान पागल हो गया, मुझे फालतू में मार रहा है यार। वैसे और सब खैरियत? और इसको छोड़ दो यार, क्यों मार रहे हो? अच्छा तो तुम यहाँ काम से आए हो, कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो फालतू में दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, मैं इसको जान से मार दूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम अपना काम करो, इसको मैं अपने साथ लेके जाता हूँ, चल बेटा तू मेरे साथ, मैं तुझे अभी बताता हूँ, जल्दी तुझे पका के खाऊंगा, बहुत मजा आएगा, जल्दी से नीचे चलता हूँ, जल्दी चलता हूँ, अरे बाप रे यार, ठीक है जल्दी से इसको खाए जाता हूँ, अरे वाह यार बाप रे, मजा ही आ गया। अरे बाप रे दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ, ये फ्रैंकलिन भैया जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको पता चला क्या हुआ है वहाँ पर, क्या वेनम पूल भैया को नॉकआउट कर दिया हमारे फ्रैंकलिन भैया ने? जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ फ्रैंकलिन भैया। अरे बाप रे जल्दी देखता हूँ दोस्तों, ये हुआ क्या है, फ्रैंकलिन भैया जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, एक मिनट बोल रहे हैं हमारे फ्रैंकलिन भैया, जल्दी कूदता हूँ। ठीक है जल्दी पहुंचता हूँ। फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ, ये क्या अफसोस कर रहे हो, ये क्या बोले जा रहे हो? अरे नहीं यार, पहला मिशन मुझे सिंचन के साथ मिला था और वो भी मैंने खराब कर दिया। अरे बाप रे, उस वेनम पूल को मैं नहीं मार पाया, सिंचन मुझे माफ कर देना, वो पता नहीं बेवकूफ सा इंसान आ गया था सामने, उसकी वजह से मैं उसको मार नहीं पाया, लेकिन वो पता नहीं इधर टोनी स्टार्क के घर की तरफ गया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर जाएगा, मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह से हेल्प करूँ। तुमने जो वो मुझे स्पेशल गन दी थी वो भी मेरे पास ऐसी रखी है, मैं उसका यूज़ भी नहीं कर पाया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप चिंता मत करो, एक काम करो, उस गन को आप मुझे दो, अब मैं उनकी बहन बचाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब सिंचन नोहारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनको मारने वाला है, वैसे तुमने एक अच्छा काम कर दिया, उस वेनम पूल को यहाँ से निकाल दिया, अब आसानी होगी उसको मारने में, मुझे पता है वेनम पूल कहाँ मिलेगा, उसको बीच ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे बीच पर ही मिलेगा। तो चलो फ्रैंकलिन भैया उस स्पेशल गन को निकालते हैं और उसको मारने चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो रहा वेनम पूल, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमाल की गन है, फ्रैंकलिन भैया मेरे पीछे ही रहना, मुझे उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा किसी भी तरह से। अरे वाह दोस्तों, यहाँ पर तो ऑलरेडी सारे के सारे इंसान बेहोश पड़े हैं, पता नहीं किस लोगों ने इनको मारा, कोई बात नहीं है, चलो जल्दी जाके देखता हूँ, शायद वेनम पूल भैया ने ही इनको मारा है। अरे बाप रे, ये वेनम पूल भैया ईविल तो नहीं बन रहे हैं दिन पर दिन, जल्दी से मुझे जाके देखना होगा, चिंचन नोहारा पेंट बचा देगा इनकी। तब तक दोस्तों आप बस इंजॉय करो वीडियो को, 1 2 और यहाँ पर निशान लगाता हूँ और ये मारता हूँ, बहुत ही कमाल का शॉट निशान लगा। ओह अरे वाह दोस्तों, इनकी तो खून निकल गए, बहुत ही ज़्यादा कमाल की गन है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा ये वेनम पूल भैया कहीं कहाँ पर, चलो पानी में कूदते हैं। अरे यार ये हैं कहाँ पर, ये क्या हुआ, मेरे पीछे से हमला किसने किया? सिंचन बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ गायब हो गई, मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये क्या हुआ, किसी ने पीछे से मेरा हमला किया और मेरे साथ ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। कैसे लगी तुझे बेटा? हाँ देखा सिंचन, मैंने किस तरह का शॉट मारा, चलो इसको जल्दी से बेहोश कर देते हैं। अरे बाप रे, तो पहले से बेहोश हो चुका है, इसको यहीं पे पटक देता हूँ। सिंचन समय आ गया तुम्हारा वेनम पूल बनने का, देखा तुम्हारे फ्रैंकलिन भैया ने तुम्हारी आज मदद कर दी, इस बात के लिए तो बस तुम मेरी तारीफ कर दो। हाँ फ्रैंकलिन भैया थैंक यू। चलो अब इस वेनम पूल को जल्दी से दोस्तों और बेहोश कर देते हैं और इसकी बॉडी पर मैं कब्जा कर लूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं बाकी के जितने भी सिम्बॉइड्स हैं उनको भी खत्म कर दूंगा और उन पर कब्जा कर लूँगा। अरे वाह दोस्तों, वेनम पूल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, चलो इसकी बॉडी को जल्दी से मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। दोस्तों आप सभी तैयार हैं वेनम पूल को देखने के लिए, वो भी सिंचन के रूप में? ओह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलो जल्दी से बन जाता हूँ मैं वेनम पूल। वाह दोस्तों, मैं तो बन गया वेनम पूल, मज़ा ही आ गया। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ये इंसान क्यों डर रहे हैं मुझसे? मेरे हिसाब से मैं हूँ वेनम पूल, यहाँ का राजा। मज़ा आ गया। अरे यार सिंचन क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा असली मिशन है वो करो ना, इन लोगों को क्यों मार रहे हो? चाहो जाके जल्दी से कार्नेज को और एंटी वेनम की बैंड बजा दो, फिर उसके बाद मज़ा आएगा, वो तो मैं देख लूंगा, तेरी तो बेटा भी बड़ा ये रहा। हाँ कैसी लगी गन? हाँ मज़ा ही आ गया, चलो मैंने इसको मार दिया, अपने यहाँ से निकलो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, उनको मारता हूँ, वो कहाँ पर भाग रही है? अरे वाह दोस्तों, बड़ी कमाल की गन थी मेरे पास तो। चलो दोस्तों अब अपने मेन मिशन की तरफ निकलता हूँ, फ्रैंकलिन भैया आप सेफली जाना, मैं यहाँ से जाता हूँ सीधा और बैंड बजाता हूँ उस कार्नेज की, तो 1 2 3 और यहाँ से निकल। अरे पहले खा तो ले जाऊँ, क्योंकि मुझे याद आया मैंने पावर कम हो गई है, क्योंकि मैंने ही दोस्त को मारा था। कोई बात नहीं है, मेरे पास अब पावर्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन ये कार्नेज कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? अगर आप सभी को पता है कि कार्नेज कहाँ मिलेगा तो जल्दी से कमेंट में बताओ, क्योंकि सिंचन नोहारा को कार्नेज को ढूंढना ही होगा और उसकी पेंट बचानी ही होगी आराम से। ठीक है
कहाँ पर गया है यार, इतना टाइम हो गया सिंचैन, वो कार्नेज और एंटी वेनम तो हमें मिल ही नहीं रहे, क्या करें यार। आप चिंता मत करो, मैं उनको ढूंढ ही लूंगा फ्रैंकलिन भैया, आखिरकार मेरा काम यही तो है, मेरे पास सुपर पावर्स भी तो है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, कहाँ से आ गया एक साथ कार्नेज? फ्रैंकलिन भैया आप ध्यान रखो अपना, मैं इसकी पैन बचा दूंगा। हाँ बच्चे मैं ठीक हूँ, अरे बाप रे यार मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, अरे यार मैं यहाँ से निकलता हूँ ठीक है। अरे बाप रे यार ठीक है चलो फ्रैंकलिन भैया, तो यहाँ से भाग गए, अब मैं इस कार्नेज को देख लेता हूँ दोस्तों, सुपर पावर्स यूज करूंगा तो उसमें अपनी वे छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। ये क्या हो रहा है, चारों तरफ दबाई दबाई बेटा बता दो। अरे यार ये क्या, फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, इस कार्नेज को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे नोहरा है सबसे ज्यादा पावरफुल। बात दोस्तों ये जोश तो काफी टाइम बाद आया है मुझ में। फ्रैंकलिन भैया यहाँ से निकलो, अरे यार इसको पकड़ता हूँ, और ये सब अरे बाप रे यार, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, फिर से मारने की कोशिश करता हूँ। यार बच्चे सिंचैन तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे भागने तो दो। हाँ ठीक है फ्रैंकलिन भैया सॉरी, ठीक है कहाँ पर गया कार्नेज, मुझे उसको दूर लेके जाना पड़ेगा। अरे बाप रे यार ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे ये तो यहाँ पर मैं फिर जमा दो ये। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दोस्तों मुझे आप सबकी मदद चाहिए, प्लीज कॉमेंट में लिखो सिंचैन नोहरा जीतेगा, सिंचैन नोहरा जीतेगा, सिंचैन नोहरा इस जीतेगा। अरे बाप रे, हाँ ठीक है कहाँ पर गया, हो चुकी है, अब बताता हूँ इस कार्नेज के बच्चे को। अब दोस्तों समय आ गया है कार्नेज की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का, उसके बाद मैं एंटी वेनम की भी पावर्स अपने अंदर ले लूंगा। मजा ही आ गया, सिंचैन नोहरा तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये एंटी वेनम कहाँ मिलेगा मुझे दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी से पूछो क्या। चलो छोड़ो बता दी मैंने, ये तो मुझसे कुछ बड़ी भाभी, मैंने तो उसकी मुंडी ही अलग कर दी। देखा दोस्तों सिंचैन नोहरा कितना ब्रूटल है, कोई बात नहीं है चलो अब एंटी वेनम से मिलते हैं और उसकी भी पैर बजाते हैं। वेनम पूल हूँ मैं सिंचैन नोहरा जी, वेनम पूल, चलो दोस्तों जल्दी चलते हैं। ये एंटी वेनम मुझे मिलेगा कहाँ पर, अरे बाप रे ये रहा एंटी वेनम, ये छोड़ूंगा नहीं, और फिर से मतलब और ये ले और ये ले। एंटी वेनम को इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया, मैं तो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमाल का मजा आ गया, जिनके नोहरा से लेने का यही नतीजा होता है। चलो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपनी पावर्स यूज करी है। ठीक है दोस्तों मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया, वाह बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया दोस्तों, सिंचैन नोहरा जीत गया। इस बात पर लाइक बनती है, अगर लाइक नहीं की मैं आपसे नई वीडियो में मिलूँ। बाय बाय।